जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों के लिए काम करना शुरू किया और लगातार देश को डिजिटल बनाते जा रहे हैं, इस वक्त हम खड़े हैं थाने के खानेकर हॉल में और हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के महासचिव पद पे काम कर रहे हैं, पदाधिकारी हैं, श्रमिकों के लिए काम कर रहे हैं सर्वेश पाठक जी। पाठक जी, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है और हम जानने की कोशिश करेंगे सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश को डिजिटल बना दिए और आज श्रमिकों के लिए आप काम कर रहे हैं, युवा वर्ग हैं, युवाओं को क्या अपील करेंगे क्योंकि बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे पहले मैं आपके चैनल देखने वाले उपभोक्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा, कोरोना काल में आप निरंतर लोगों की बात पहुंचा रहे थे, इसके लिए मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, देखा जाए तो महाराष्ट्र एक अलग स्टेट है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, आप उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश में युवा महाराष्ट्र में आते हैं, तो क्यों ना आप लोग या उत्तर प्रदेश के CM ऐसा कुछ करें कि उत्तर प्रदेश के युवा उत्तर प्रदेश में ही कोई रोजगार करें, इस पर क्या कहेंगे और योगी जी से क्या संदेश पहुँचाएंगे महाराष्ट्र के लोगों? हम उसके लिए निरंतर काम कर रहे हैं। अभी हमने अपने गाँव में आस्टो मशरूम जैसी खेती कराई है, लोगों को जागरूक किया है, उनको प्रेरित किया है, बैंक से लोन दिलाया है, बैंक को लोन वापस करने के लिए प्रेरित किया है और उनको जो हमारे यहाँ उगने वाला आस्टो मशरूम है वो थाईलैंड में जाके बिकता है, दिल्ली के आज़ादपुर मंडी में जाके बिकता है। हमारे यहाँ जो चम्मच जिससे हम खाते हैं वो चाइना से आता था, उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग गई। हम यहाँ आए हैं तो किसी पर्पज से आए हैं, यहाँ जो हमारे भाई जो हमारे यहाँ उद्यमी काम कर रहे हैं, चाहे वो टेक्सटाइल से रिलेटेड हो, चाहे वो छोटी छोटी इकाई लगा के अपना काम कर रहे हो, हम उनको प्रेरित कर रहे हैं कि आप आइए, 35% की सब्सिडी देंगे हम आपको, हमारे यहाँ इकाई लगाइए, हमारे युवाओं को रोजगार दीजिए। एक छोटी सी इकाई अगर हम लगाते हैं, छोटा सा प्लांट लगाते हैं तो 10 लोगों को रोजगार देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ 20 लोगों को रोजगार और देते हैं कि हमारे इंडस्ट्री के पास ठेला वाले, कुंचा वाले, चाट वाले, सब्जी वाले, दूध वाले जैसे लोगों को भी रोजगार मिलने का काम होता है। सर, एक लास्ट सवाल, आप महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र में भारी मात्रा में परप्रांतीय आके काम करते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं मतभेद किया जाता है, कभी परप्रांतीय का मुद्दा उठता है, उन पर हमला होता है, आज शिंदे गुट और देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है, क्या कहेंगे और क्या करेंगे उन लोगों के लिए आप? देखिए, जब देश में इतना बड़ा देश की रक्षा करने वाला गृह मंत्री उपलब्ध है, देश के सबसे भी प्रधानमंत्री उपलब्ध हैं, तो इस तरीके की अफवाहें या इस तरह के चक्कर में ना पड़े। उनको महाराष्ट्र ने सिखाया है, रोजगार करना सिखाया है, महाराष्ट्र की धरती को मैं भी प्रणाम करता हूँ, कहीं ना कहीं हमारा पुराना नाता है यहाँ से, इस सभागार से, इस क्षेत्र से, जिस क्षेत्र में हम घूमते थे उस क्षेत्र का डेवलपमेंट तब क्या था, आज क्या है, मैं घूम के देखा हूँ। तो मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जो आपने कहा है कि हमारे अंदर भय या पक्षपात रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग युवा हैं, युवा मोर्चा में यहाँ की जो सेंट्रल मुंबई से सांसद हैं आदरणीय हमारी पूनम महाजन जी, उनके टीम में हम लोग काम किए हैं, हम उनके टीम में स्टडी सर्किल का काम देखे हैं, अनुराग ठाकुर जी के साथ काम किए हैं जो इस समय भारत सरकार में मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ काम किए हैं। उस टाइम पे हम लोग एक नारा लगाते थे जब हम विपक्ष में थे, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी हुआ कश्मीर हमारा है, आज हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी के नेतृत्व में, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लाल चौक में तिरंगा फहराए और पूरे कश्मीर में तिरंगा फहराया है। यहाँ कोई भय और पक्षपात कर नहीं सकता, जब तक एक ईमानदार व्यक्ति बैठा हुआ है कुर्सी पे, एक गरीब व्यक्ति बैठा हुआ है जो अपनी कमाई का सारा हिस्सा दान में करता है। सुना आपने कि किस तरह से पाठक जी ने कहा कि कहीं ना कहीं गहरा नाता है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के लोगों का और वो नाता सदैव बरकरार रहेगा और यह भी कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दें। वीडियो सहयोगी दानिश के साथ चंद्रशेखर शुक्रमा, जे जे वी न्यूज़ थाने। ये है NP न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं JJV न्यूज, सिर्फ खबर नहीं सच्चाई का आईना। JJV न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप बने रहें ताजा तरीन खबरों के